आइए जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए आसानी से हम लोग, अब 26 क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है 26 हम लोग को पढ़ना है, और सेट वही है, वन ही है लगभग, मान के चलिए कुछ क्वेश्चन दो चार छः क्वेश्चन अलग होते हैं और सब सेम मैच करते हैं, तो हम लोग 26 क्वेश्चन करेंगे। अभी भी 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आइए पढ़ लेते हैं उसके बाद। अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10 सेंट, ये हमारा न्यूमेरिकल ये भी है। अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर लाई इन एक्स वाई प्लेन। अ स्ट्रेट वायर लाइंग इन सेम प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर शोन इन फिगर। मतलब ये बता दिया है कि एक हमारा जो है एक्स वाई जेड, मतलब तीनों प्लेन है, मतलब थ्री डी फिगर है, और एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है और एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। और अ स्ट्रेट वायर लाइंग इन सेम प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रखा है, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस के अलांग ये भी है। एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर सोन इन फिगर, 20 सेंटीमीटर रखा, किससे 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है सर्किल वाले से 20 सेंटीमीटर। फिर कहते फाइंड द डायरेक्शन एंड वैल्यू ऑफ करेंट दैट कैन टू इल्यूमिनेट इन वायर सो नेट फील्ड एट ओ इज़ जीरो। क्या बताया, फाइंड द डायरेक्शन एंड वैल्यू ऑफ करेंट, डायरेक्शन एंड वैल्यू ऑफ करेंट बताना है मेंटेन्ड इन वायर द नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। इसका मतलब दोनों से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी, यही बतानी है, मतलब दोनों से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद देखिए अगर हमारा जो प्रीवियस में बच्चा जो अभी पेपर नहीं दिया है देने वाला, उसके लिए तो बहुत अच्छी सी बात है कि आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आप समझ जाओगे हमको पेपर में कैसे करना है, किस तरीके से करना है। पर जो बच्चे दे चुके हैं, कहाँ मिस्टेक हुई, किस वजह से थोड़ा कम नंबर रह जाता है, उनके लिए बहुत ये गाइडलाइन है, बहुत समझने की बात है कि आगे जब भी पेपर दे थोड़ा सा जो है आप अच्छे से परफॉर्म करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। मैं इसका थोड़ा सा फिगर आपको बना देता हूँ। इसने क्या किया, एक सर्कल है और यहाँ से वायर है, यहाँ से एक तरह से, और इसके सेंटर से ऐसे, इसका सेंटर जो है आपका 10 सेंटीमीटर का रेडियस है, और ये इसमें करंट 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, 1 एम्पियर करंट है, और यहाँ से एक वायर, यहाँ पे वायर है, समझ लो स्ट्रेट वायर है, और इसकी 20 सेंटीमीटर यहाँ डिस्टेंस है, वायर मान के चलो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये आपका दिखा दिया कि ये एक्स एक्सिस है, वाई है, और ये जेड है, ये तीनों एक्सिस दिखा दिया, ठीक है, इस तरीके से फिगर। अब देखिए बोला है कि फाइंड द डायरेक्शन एंड वैल्यू ऑफ करंट दैट कैन टू मेंटेन इन वायर सो द नेट करंट फील्ड एट, मतलब इस ओ पर जो है, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी इसकी होनी चाहिए 0, यहाँ पे ऐसा मेंटेन हो कि ओवरऑल 0 होगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू लूप लिख देते हैं डायरेक्ट, ड्यू टू लूप, देखिए इस लूप से पहले निकालेंगे, और लूप का जब निकालते हैं तो हम लोग का जो B1 हो सकता है एक तरह से इक्वल टू, लूप का कभी भी फार्मूला होता है कितना होता है फार्मूला, आप बताइए फार्मूला कितना होता है, ठीक है, कितना होता है फार्मूला, अरे बताओ भाई, आप लोग जानते हो ना लूप का फार्मूला क्या होता है और इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है, आप बताओ, तब पहले आप बताओगे तभी, आप टाइम देता हूँ मैं, आप बताओ फटाक से, उसके बाद क्या लूप का फार्मूला होता है फटाफट बताओ आप, अरे भाई लूप का फार्मूला होता है म्यू, देखिए क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, लूप का जो फार्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट, ठीक है, और क्या होगा, यहाँ लग जाता है I1 और अपान कितना होता है 2R1 लिखें या आपका R लिख दीजिए, ठीक है ना, आया समझ में, 2 कितना हो जाएगा I1 लिखे, ये आ गया,
और ये लूप का हो गया। अगर अब ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन मान के चलिए, अब लिखिए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अब किसके स्ट्रेट वायर का निकाल, ड्यू टू स्ट्रेट वायर, और ये हो जाएगा बी टू। और स्ट्रेट वायर का जो होता है सेम फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई टू लिखिए, यहाँ डिफरेंस होता है टू पाई आर होता है, देखिए इतने का अंतर, वहाँ वहाँ कितना होता है म्यू नॉट आई वन अपन टू पाई टू आर, और यहाँ तक म्यू नॉट आई टू अपन टू पाई आर, यही डिफरेंस होता है बस। और अब क्या करना है, इन दोनों की इक्वेट करना है, क्योंकि इसमें बताया है कि इन दोनों की वैल्यू जो है हमें पहले से बता दिया है कि यहाँ देखिए यहाँ पे आई वन ले सकते हैं, यहाँ यहाँ आर वन ले लीजिए, यहाँ आर टू ले लीजिए। इसमें बताया है कि ओवरऑल जो हमारा करंट की जो वैल्यू है वो बतानी है किसके अंदर, स्टेट वायर के अंदर करंट की वैल्यू कितनी होगी जब ये क्या होगा ओ पे जीरो हो जाएगा, और प्लस ये भी बताना है करंट के साथ साथ इसमें करंट कितना उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे बी वन इक्वल टू हम इक्वल में बी टू कर देंगे, ठीक है। तो बी वन बी टू इक्वल करेंगे तो कितना होगा म्यू नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा आई वन अपान टू पाई, आर वन की वैल्यू रख देते चलिए, आर वन की वैल्यू कितनी है तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है मीटर में नहीं बदल रहे सेंटीमीटर, फिर इक्वल टू यहाँ भी म्यू नॉट है, यहाँ आई टू की वैल्यू है, और यहाँ कितना होगा टू इंटू पाई चलिए रख दिया, और यहाँ कितना हो जाएगा ये 20 हो गया आपका, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ से पाई से म्यू काट दीजिए, यहाँ पे देखिए 10 टू या 20 पूरा काट दीजिए, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, तो देखिए सॉल्व करते हैं तो आई टू इक्वल टू कितना होगा ध्यान से देख लीजिए, आई टू इक्वल कितना होगा देखिए, सबसे पहले आई टू के पास यहाँ से हम लोग क्या करेंगे टू पाई इससे मल्टीप्लाई होगा, तो टू पाई मल्टीप्लाई ये कितनी वैल्यू है 1 है, तो ये 1 हो गया, इसका मतलब है 2 पाई इंटू 3.14 होता है, तो I2 की वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई 2 से, तो यहाँ कितना हो गया आपका मान के चलिए 4 × 8 मतलब 4 × 8 और यहाँ 2.6 तो 6.28 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो डायरेक्शन कैसा होगा, तो ये डायरेक्शन क्या होगा डायरेक्शन की बात करेंगे तो टूअर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में जाएगा टूअर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन होगा, वो भी स्ट्रेट वायर में। एक बार मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, आप समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग करंट 1 एम्पियर लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, अ स्ट्रेट वायर इन सेम प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, मतलब क्या है एक 10 सेंटीमीटर एक लूप है 10 सेंटीमीटर का, 1 ये है एक्स वाई प्लेन में और एक स्ट्रेट वायर है जो एक्स एक्सिस में वो भी है और उसका 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। फाइंड द डायरेक्शन एंड वैल्यू ऑफ करंट दैट टू मेंटेन इन द वायर, तो डायरेक्शन और करंट की वैल्यू वायर में बतानी है जब नेट फील्ड एट ओ पे क्या होगा नेट फील्ड जीरो होगा। नेट फील्ड जीरो होने का मतलब है दोनों के वैल्यू सेम हो जाएगी, और यहाँ से हम लोग सेम करके सॉल्व कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आ गई 6.28 एम्पीयर, और डायरेक्शन होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन आ गया और वैल्यू आ गई 6.28। कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो तो बेटा जो आप लोग बाबू आप कमेंट जरूर करके बताना, और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ऐसे क्वेश्चन को आप अगर देखे भी रहोगे ना एक दो बार तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, कोई डाउट नहीं होगा। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अगर एक दो बार आप अच्छे से लगा लोगे ना तो आप फटाफट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लेते हैं।